गुड़ और चाय का मजा अपना ही है। उत्तराखंड की वादियों सामने हिमालय, पीछे बांज का पूरा जंगल और छिपता हुआ सूरज। ठंडी सी हवा और चाय की चुस्की का अपना ही मजा है। यहाँ कप में कोई चाय नहीं पीता, सारे लोग गिलास में ही चाय पीते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम हैं अभी उत्तराखंड में। यहाँ पे एक नया शॉट बनने जा रहा है जिसके चारों तरफ का व्यू देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे पीछे तरफ पूरा जंगल है हरा भरा, सामने की तरफ बहुत सी पूरा वैली है और हिमालय दिख रहा है जो कि आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। अभी मैं थोड़ी देर में आपको फ्रंट कैमरा खोल के पूरा का पूरा व्यू कराता हूँ। अब मैं फ्रंट कैमरा खोल के एक बार आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। हेलो फ्रेंड, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि फ्रंट कैमरा खोल के आपको सारा व्यू कराऊँगा, ये पूरा सा मैदान बना हुआ है एकदम टॉप में, इसके बैक साइड पूरा का पूरा चीड़ का जंगल है जो अभी के मौसम में तो इतना हरा भरा नज़र नहीं आता, फिर भी आ ही रहा है। लेकिन अब जब सावन के टाइम पे या जून जुलाई की छुट्टियों में यहाँ पे आएंगे तो आपको वाकई में ये एकदम ब्यूटीफुल व्यू दिखेगा। और सामने जो है माउंटेन्स हैं, उनके पीछे हिमालय है। अनफॉर्चुनेटली आज जो है यहाँ पे आग लगी पड़ी है जंगल में, मैं आपको दिखाता हूँ आग कहाँ पे लगी है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जंगल में धुआं धुआं हुआ पड़ा है। और नहीं तो यहाँ कल जब हम आए थे पूरा हिमालय दिख रहा था, वो सामने हिमालय दिख रहा था और उसी के जस्ट नीचे आपको जो बहुत सारे मकान और बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं वो है अल्मोड़ा, उत्तराखंड का अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये माउंटेन एंड वैली का व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया, अब थोड़ा सा रिसोर्ट का ओवरव्यू स्क्रैच से दिखा देता हूँ आपको, कैसे अभी तैयार हो रहा है। अभी एक साल जस्ट हुआ है यहाँ पे है, ये अभी कच्ची रोड बना रखी है और यहाँ पे कुछ फूल भी लगा रख, आप सोच भी नहीं सकते ये आने वाले टाइम पे ये कितना सुंदर बनने वाला है। अभी ये पूरा का पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपको हो सकता है धूल धक्कट पत्थर सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जहाँ तक मेरे को लगता है इधर से एंट्री होने वाली है रिसोर्ट की। अभी हम इस तरफ का व्यू आपको नहीं दिखाया था, ये देखो अभी तो इस तरफ पूरी खाई है, बाउंड्री बनेगी यहाँ पे, सनसेट होने वाला है। बहुत ही सुंदर चबूतरा बनाया गया है ताकि आप इस तरफ का व्यू लेना चाहें, यहाँ से फ़ोटो लेना चाहें तो उसके लिए, बट अभी तो वेट एंड वॉच का टाइम है। सारे के सारे पत्थर जो हैं यहीं से निकले हुए हैं और इन्हीं से यहाँ का कंस्ट्रक्शन हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे जो हैं आग लगा देते हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा वातावरण दूषित हो जाता है, सामने का व्यू देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है।